आजा बाहर आ जाओ यार, तो आजा बाहर आ जाओ, तो बाहर आओ, बाहर आओ। दूसरा कि ज्यादा फर्क है। अरे बाइक रहना दो। अरे ले लो ले लो ले लो, बाइक करते हैं तो चलो करते हैं, तो एक कर दे चलो। Solo, solo. भाई यहाँ पे सामने इंटर सेंटर सर, राहुल सर, राहुल सर, राहुल थैंक यू भाई, थैंक यू राहुल। आजा भाई, भाई यहाँ पे आइए। जय माता दी। पैर छुपे लूट दो, बेबी का पैर छुपे चुरा था। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, मराठी में भी बोलेंगे और हिंदी में भी बोलेंगे और, बट थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। और जय माता दी, जान लगा दी मतलब भाई ने, 5 मिनट परफॉर्म, 10 मिनट परफॉर्म, लोग वंस मोर कर रहे थे, इससे ज़्यादा क्या है। मैंने नहीं बुलाया, माँ ने बुलाया, सो आई वुड जस्ट से कि थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय प्लेजर। एंड जेन्युइनली कुणाल एंड पूजा ने बहुत ही सुंदर माता का पंडाल बनाया। जो लोग हमको मीडिया पे देख रहे हैं, प्लीज़ आइए, ये गोरेगांव बांगूर नगर में होता है। आप प्लीज़ इसका एड्रेस ज़रा बताएंगे, एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ है? ये विष्णु हनुमान ग्राउंड बांगूर नगर में है। गूगल में विष्णु हनुमान ग्राउंड लिख लेना, अपने आप आ जाएगा। बांगुर नगर भी लिखना उसके साथ साथ, तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे और माँ के पास पहुँच जाएंगे। बट जेन्युइन हम किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप आइए एंड देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे कुणाल और पूजा ने यहाँ पे बुलाया, वन ऑफ द बेस्ट दर्शन आई एवर हैड। बहुत मज़ा आया, 10 मिनट गाया, 15 मिनट गाया, बट नेक्स्ट टाइम और गाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, जय माता दी, थैंक यू, जय माता दी। पूछिए कहाँ है?
अभी तो शुरुआत है, आज षष्ठी है, सबको महाषष्ठी शुभ महाषष्ठी। एंड आज शुरुआत हुई है पूजा की, और आज से लेके अगले 4-5 दिन तक हम माँ की सेवा करने वाले हैं सुबह शाम, और कल से धुनो जी नाच भी शुरू करेंगे। सो हाँ, आज से बस शुरुआत हुई है माँ की। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर रौनक लग गई है। कुछ विश नहीं है, बस माँ आई है हमारे पास और हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, तो यही हमारी एक अपने आप में विश पूरी हो गई है। और मैं ये चाहती हूँ कि माँ हम सबको आशीर्वाद दे के जाएँ, और स्पेशली आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, हमारे बेबी का बर्थडे है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सुनने के लिए हम लोग। सो पहला वाला क्वेश्चन और आपका भी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको कैमरा यहाँ सेटअप करना चाहिए था। जो हमारी पंडाल की ब्यूटी है वो अच्छी तरह से प्लीज़ दिखाइए, क्योंकि ये कारीगर जो है ये कलकत्ता से आए थे, और जो आर्टिस्ट है जिन्होंने मूर्ति बनाई, मूर्ति भी हमारी कलकत्ता से आई है, गंगा मिट्टी की बनी हुई है हमारी माँ, और बहुत सारी मेहनत लगी है। 2 से 3 महीना लग गया था पूरी तरह से इसे बनने में, और इसके पीछे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं बहुत डिटेल्ड है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोन में कार्व्ड है ना, तो ये लुक एंड फील देने के लिए बहुत समय लगता है। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी पंडाल की बारीकियों को दिखाइए, ताकि लोग आएँ और देखें और इसका मज़ा लें, क्योंकि हम लोग ने पहली बार कोशिश की है, जैसे कि आपने कहा 9 महीने हमने मेहनत की है कि आप लोगों को कलकत्ता से एक झलक दिखा सके वहाँ की पूजा की कि कैसा होता है। मुझे सारे गेस्टों के लाने के पैसे मिले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्पॉन्सर्स ने पैसे दिए हैं। नहीं नहीं बट यार आपको आस, क्योंकि कुछ काम ये आज इसलिए भी नहीं कर पा रही बिकॉज मैडम ने घाघरा गोगो जी का पहना हुआ है, गोगो जी का नहीं, ये अलग ही घाघरा है, सो इसलिए शी कांट वॉक, और ये 2 दिन से सोई नहीं है, सो इसलिए मैं 4 घंटा सोया हूँ, हाँ, तो इसलिए मेरे में थोड़ी सी एनर्जी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और जितना हो मैं, जैसे ये बोलती है आई एम अ गुड होस्ट, सो मैं पूरी तरह से यू नो कोशिश करता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए मैं उसे अच्छे से वेलकम करूँ। और हमारे इतने आज खास मेहमान आए हैं, अमिता फडणवीस मैम आई थी, और आज नील नितिन मुकेश आने वाले हैं, राहुल वैद्य आ रहे हैं, जसविंदर नरूला जी आ रही है, और हमारी स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है, प्रीति पिंकी गरबा नाइट कराने वाली है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने इसीलिए आज लहंगा पहना है, बहुत में लहंगे में नाचूंगी पिंकी रिची एंड पिंकी बन के आई हूँ मैं, बट मैं हाँ मतलब एक जगह खड़े खड़े गरबा करूँगी। बिल्कुल, हमारे जो लाइटिंग जो की है हमारे नूर भाई ने की है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोग ही मिले हुए हैं, तो यहाँ पर कोई कास्ट क्रीड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं दिल से, जो भी हमारे वेंडर हैं वो भी जब बातें होते हैं कि आप माता जी का करें हम आपको डिस्काउंट देते हैं, सो दिस इज़ हाउ इंडिया वर्क्स, यू नो यहाँ पे लोग दिल से शिद्दत से और रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं, तो हम सभी का वही धन्यवाद करेंगे दिल से तहे दिल से कि आप सब लोग आएँ और हम लोग का इतना साथ दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि मुंबई में जितने भी लोग हैं जो नॉन हिंदू नहीं है वो भी आएँ और देखें, बिकॉज ये ब्यूटी है, दिस इज़ टू प्रेज एंड टू एक्चुअली बहुत मेजमराइजिंग है, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप लोग आइए और इसे देखिए, क्योंकि मुंबई में पहली बार ऐसा पंडाल थीम लाए, सो आशा करता हूँ कि आप लोग सब आएंगे। जय माता दी, थैंक यू। प्लीज़ संभालिएगा, वो पिलर टच हो रहा है बार बार थोड़ा सा, प्लीज़ डोंट टच इट, नहीं मैंने देखा 2 बार सा वो ऐसे, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है ना वो रियल पिलर फाइबर है ना, तो थोड़ा सा आराम से प्लीज डोंट टच इट, थोड़ा दूर रहिएगा, और ये थोड़ी लाइट्स वाइट भी थोड़ा ध्यान रखिए। आई थिंक आई एम डन, या थैंक यू भाई। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
जय माता दी। थैंक यू मैम। ओके बस बस इन्होंने बनाया है, रिप्लिका किया हुआ है एंड इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। हम लोग पहली बार दुर्गा उत्सव में आए हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, मींस हमारे लिए पहली बार है। हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि हम लोग पहले जाते थे, मतलब इनविटेशन आता था लेकिन जा नहीं पाते थे। द ओनली रीज़न इज़ कि हम लोग के 10 डेज एक साथ ही जगह पे रहते थे तो हम लोग नहीं निकल पाते थे। मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ गरबा ही गाया है, बॉलीवुड गाया है लेकिन गरबा एक त्यौहार है माता रानी का जो हमने हमेशा बहुत एंथुजियास्टिक से प्रिपेयर किया है, गाते हैं, लोगों को नचाते हैं और उसमें काफ़ी सारा, मतलब क्योंकि इट इज़ डाउन द लाइन इन मुंबई 25 ईयर्स, तो डाउन द लाइन वी हैव टू गेट समथिंग और द अदर न्यू एवरी ईयर और बस यही खोज चालू रहती है और हमेशा हर साल हमको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिल जाता है। श्योरली